मॉर्निंग एवरीवन, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 से इम्पोर्टेंट टॉपिक इरेशनल नंबर्स एंड प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब होता है नॉट रेशनल, यानी जो नंबर रेशनल नहीं होगा उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q does not equals to zero is called a rational number। आपने प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो नंबर p by q के फॉर्म में होता है उसको रेशनल कहते हैं। तो जब रेशनल का इरेशनल का मीनिंग हुआ नॉट रेशनल, तो जो नंबर p by q के फॉर्म में नहीं होगा वो आपका इरेशनल होगा। दूसरी बात कि रेशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग का अपोजिट होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का अपोजिट होगा नॉन रिपीटिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब इरेशनल नंबर रेशनल नहीं है तो इरेशनल का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज called an irrational number। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल है, तो उसके लिए पहला है a non-terminating and non रिपीटिंग डेसिमल इज इरेशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या हुआ? तो सपोज दैट मान लीजिए कि कोई डेसिमल नंबर है 1.5, तो 1.5 में डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स्ड हैं, फाइनाइट हैं, यानी इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया 2.0, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो जब किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के लास्ट में हम 0 से 9 तक का कोई भी दो डिजिट, सपोज दैट मान लीजिए कि एक डिजिट एक्स है दूसरा डिजिट वाई, अब इसमें से पहले डिजिट को हम एक एक इंक्रीज कर दिए एक्स एक्स वाई, इस मैनर में अगर हम दो डिजिट 0 से 9 के बीच ले करके टर्मिनेटिंग डेसिमल के लास्ट में अगर हम राइट डाउन कर देते हैं तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो जैसे 1.5 है तो इसके लास्ट में अगर हम 0 1 लिए, फर्स्ट डिजिट 0 हुआ, सेकेंड डिजिट 1 हुआ, तो फर्स्ट डिजिट को अब इंक्रीज करेंगे
तो 001 होगा, फिर 1 इंक्रीज करेंगे तो 0001 होगा। तो इस मैनर में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा, इसलिए नंबर इरेशनल होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम डिजिट 1 और 2 ले लिए, तो फर्स्ट डिजिट हमारा 1 है तो 112 होगा, फिर 1112 होगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। सेकेंड है, इफ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट अंडर एम इज इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट किया जा सके। तो कहता है कि एम जो है वह क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट एम जो होगा वो इरेशनल होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज आर सो मेनी इंटीजर्स। अब इनमें से 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। यानी इंटीजर 1, 4 और 9 इनका जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट मीन्स 1, 4 एंड 9 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इन नंबर्स को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद हमारे पास इंटीजर बच गया 2, 3, 5, 6, 7 और 8। तो √2, √3, √5, √6, √7, √8 ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रेट एम इज एन इरेशनल नंबर। अब यह कहता है कि एम जो है पॉजिटिव इंटीजर हो जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब हुआ ऐसा नंबर जिसका हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकें। तो अगर एम एक इंटीजर हो जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो तो क्यूब रूट एम के फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा वो इरेशनल होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस इंटीजर में से हम 1 का क्यूब रूट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा। दैट मीन्स 1 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 8 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 2 होगा। दैट मीन्स इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब बाकी बच गया नंबर इंटीजर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 2 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे नहीं होगा, 3 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे नहीं होगा, 4 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे नहीं होगा, 5 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे नहीं होगा, 6 का क्यूब रूट कैलकुलेट नहीं होगा, 7 का क्यूब रूट कैलकुलेट नहीं होगा। सो ऑल दीज नंबर्स √2, √3, √4, √5, √6 एंड √7 आर इरेशनल। नेक्स्ट है, पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज
इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग व्हाइल इट्स एप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई का वैल्यू जो है आपका होता है 22/7 इज ए रेशनल नंबर। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें। तो अब हम देखेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर। आइए अब हम देखते हैं प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी नंबर को हम इरेशनल जो है कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट है प्रूव दैट रूट एन इज इरेशनल इफ एन इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो जब कोई भी नंबर जो है आपको अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करते हैं। और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में एक रूल्स आपको याद रखना होगा और वो रूल्स है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर दिस इंप्लाइज पी डिवाइड्स ए। इसी रूल की मदद से हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जो है इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे। तो आइए देखें इस नंबर को कैसे हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड में जो हमको प्रूफ करना रहता है उसके जस्ट अपोजिट हम एज्यूम करके चलते हैं। तो यहां हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको रेशनल एज्यूम करके चलेंगे। लेट रूट एन बी ए रेशनल नंबर सच दैट रूट एन इक्वल्स टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। को प्राइम्स मीन्स दो ऐसे नंबर्स जिसका एचसीएफ वन हो। That means A and B have no common factor. Now, अब क्या करेंगे कि equation 1 जो है इसका squaring करेंगे। Squaring equation 1 both sides. अब जब squaring करेंगे तो ये आपका हो जाएगा root n square equals to A by B square. अब रूट एन का जब स्क्वायर करेंगे तो एन होगा, एन इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये हो जाएगा एन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड।
तो एन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दैट मीन्स एन इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब जब एन ए स्क्वायर का फैक्टर है दैट मीन्स एन डिवाइड्स ए स्क्वायर, और यहां था कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर दैट दिस मीन्स पी डिवाइड्स ए, तो एन डिवाइड्स ए स्क्वायर दिस इंप्लाइज एन डिवाइड्स ए, और जब एन जो है ए को डिवाइड करेगा दैट मीन्स एन इज फैक्टर ऑफ ए एन इज फैक्टर ऑफ ए, एन जो है ए का फैक्टर आ गया, ए आपका हो गया इक्वेशन थ्री। और एन जब ए का फैक्टर आ गया तो ए का वैल्यू जो है एन के फॉर्म में होगा। तो नाउ लेट ए इक्वल्स टू Mn this implies A square equals to M square N square। अब इस A square का वैल्यू हम इक्वेशन टू में पुट अप करें। Now putting the value of A square in equation 1, sorry equation 2। अब equation 2 में जब इस value को put करेंगे ये आपका हो जाएगा एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का वैल्यू है एम स्क्वायर एन स्क्वायर। This implies B square equals to M square N square by N। तो N से आपका square कट जाएगा, ये हो जाएगा M square N। तो B square equals to M square N आया, that means N is factor of B square। This implies N is a factor of B square। This implies N divides B square, this implies N divides B, this implies N is a factor of B, ये आपका हो गया equation 4। Equation 3 में आया N is factor of A और इसमें आया N is factor of B। तो फ्रॉम 3 and 4 एन इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट ए एंड बी आर को प्राइम्स दैट मीन्स ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर। So our assumption is wrong, और जब assumption हमारा wrong हो गया तो हमने assumed क्या किया था कि root n जो है वो rational number है, तो hence root n is क्या होगा not rational number, और जब नॉट रेशनल होगा तो क्या हो जाएगा इरेशनल। रूट एन इज एन इरेशनल नंबर। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इस टाइप का एक एग्जांपल जो है हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे सोल्व कर रहा हूं। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है
प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, यानी प्रूव कीजिए कि रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम दो तीन प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मेथड फर्स्ट, इसको हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के नाम से जानते हैं। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जो है हमें जो प्रूफ करना रहता है उसका जस्ट हम अपोजिट लेकर के चलते हैं। तो यहां इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको रेशनल लेकर के चलेंगे। लेट रूट टू बी ए रेशनल नंबर सच दैट रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब ये रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू जो हमने अज्यूम किया है इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे। अब उसके बाद इसका स्क्वायरिंग करेंगे प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट टू स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर तो रूट ए स्क्वायर मीन्स होता है ए। तो अगर ए के प्लेस पे हम टू लिख देंगे तो रूट टू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए आपका हो गया टू, ये हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, टू से क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टू क्यू स्क्वायर और वन से पी स्क्वायर को करेंगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया टू मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स टू इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और जब टू पी स्क्वायर का फैक्टर है तो फैक्टर जो है उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दैट मीन्स टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में पढ़ा था कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर दिस इंप्लाइज पी डिवाइड्स ए। तो यहां पे आ गया टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स पी। और जब टू जो है पी को डिवाइड करेगा तो टू इज फैक्टर ऑफ पी। ए आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड, ए आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। अब जब टू जो है पी का फैक्टर हो गया तो पी का वैल्यू जो है टू के मल्टीपल में होगा। तो नाउ लेट पी इक्वल्स टू ट्वेल्व, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एम स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन फोर। फ्रॉम क्यों हो गया ये हो गया आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन थ्री और फोर से, तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर वी गेट। अब इक्वेशन टू जो है
उसमें लिखा हुआ है 2q² और 4 में लिखा हुआ है 4m². ये हो जाएगा 2q² = 4m². दिस इम्प्लाइज q² अब 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2m². तो q² का वैल्यू आ गया 2 × m². दिस इम्प्लाइज तो 2q² का क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 इज फैक्टर ऑफ q² और जब 2q² का फैक्टर हो गया तो 2 डिवाइड्स q, सिंस p डिवाइड्स a² दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स a, 2 इज फैक्टर ऑफ q² तो 2 डिवाइड्स q² दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q और जब 2q को डिवाइड करेगा तो 2q का फैक्टर हो जाएगा तो 2 इज फैक्टर ऑफ q, ये हो गया आपका इक्वेशन 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 और 5 तो 3 में था कि 2 इज फैक्टर ऑफ p और 5 में 2 इज फैक्टर ऑफ q, तो क्या रिजल्ट आएगा 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q, बट p एंड q आर को प्राइम्स That is, P and Q have no common factors. So, our assumption is wrong. और जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने एज्यूम क्या किया था कि ये रेशनल है, तो रेशनल ना होकर के क्या होगा, नॉट रेशनल दैट मींस इरेशनल, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपका प्रूव हो गया, अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर हम इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। मेथड सेकंड जो है ये भी जस्ट लाइक मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ही है, तो फर्स्ट मेथड की तरह इसमें भी जो है इसको रेशनल अज्यूम करेंगे और इक्वेशन सेकंड से पहले फर्स्ट से पहले जो आपका आया था 2 = p² / q², यहां तक सिमिलर प्रोसेस करेंगे। यहां तक सिमिलर प्रोसेस करने के बाद अब क्या करेंगे कि यहां पर दोनों साइड q से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय q वी गेट, तो जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2q और इधर हो जाएगा p² / q² / q, तो q से आपका स्क्वायर कट जाएगा, दिस इंप्लाइज 2q = p² / q, सिंस p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स और जब किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो है फ्रैक्शन मिलता है, तो p² / q आपका हो जाएगा फ्रैक्शन एंड और इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर मिलता है एंड 2q = आपका हो जाएगा इंटीजर, बट
वी नो दैट इंटीजर डज नॉट इक्वल्स टू फ्रैक्शन. दिस इंप्लाइज 2q डज नॉट इक्वल्स टू p² / q. यानी नियम जो है वो कहता है कि 2q जो है p² / q के इक्वल नहीं होगा. और जब हमने रूट 2 को रेशनल एज्यूम्ड किया तो दोनों इक्वल आ गया, इसलिए हमारा एजम्पशन जो है क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर. दिस इंप्लाइज रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. सेकेंड मेथड आपका हो गया कंप्लीट. अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर थर्ड मेथड इसका देखेंगे जो है डिवीजन मेथड. आइए देखते हैं मेथड थर्ड. इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड. इस मेथड में क्या करते हैं कि जिस नंबर का को हमें इरेशनल प्रूफ करना रहता है उस नंबर का हम पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके हम ये उसको दिखा देते हैं कि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है. तो हमें 2 को जो है इरेशनल प्रूफ करना था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए डेसिमल के बाद इसमें कुछ पेयर्स लगाने होंगे, और पेयर्स लगाने के बाद अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले 1 से इसको 1 टाइम्स में डिवाइड करेंगे. तो 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा, 1 1 2 आपका हो गया. अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो हमारा नेक्स्ट पेयर राइट डाउन होगा तो 100 होगा. अब यहाँ पे 4 लिख करके इसको 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 96 हुआ. अब 100 में से 96 माइनस करेंगे 4 आएगा. अब इसको प्लस करेंगे 4 4 8, 2 का 2 हो गया. अब यहाँ पर नेक्स्ट पेयर राइट डाउन होगा तो 400 हो जाएगा. अब यहाँ पे 1 to 9 के बीच का डिजिट 1 लगाएंगे तो 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 281. अब 400 में से 281 को माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस होगा 9, 9 में से 8 माइनस होगा 1, 3 में से 2 माइनस होगा 1. ये आपका हो गया 1 1 2 8 2. अब फिर नेक्स्ट पेयर राइट डाउन करेंगे, अब आ गया 11,900. फिर यहाँ 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 कैरी नहीं होगा, 8 4 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11. अब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा कैरी करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ फिर नेक्स्ट पेयर आएगा, अभी 4 है, 4 4 8 हो गया आपका 2 8 2. अब ये आ गया 60,400. अब फिर यहाँ 0 to 9 में से एक डिजिट जो है 2 आएगा. अब 2 लिख करके फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 8 2 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 8 2 जा 16 कैरी 6,
सॉरी कैरी वन और टू टू या फोर वन फाइव। अब माइनस करेंगे, टेन में से फोर जाएगा सिक्स, नाइन में से सिक्स जाएगा थ्री, थ्री में से फाइव नहीं जाएगा कैरी करेंगे, थर्टीन में से एट गया फाइव गया एट, नाइन में से सिक्स गया थ्री, कैंसिल हो जाएगा। अभी हो गया टू टू फोर एट टू एट टू। अब फिर नेक्स्ट पे यार यहाँ राइट डाउन करेंगे तो थ्री लैख एट्टी थ्री थाउजेंड हो गया। अब यहाँ पर जो है वन लेंगे, वन टाइम्स में डिवाइड होगा, ये हो जाएगा टू एट टू एट फोर वन। अब फिर इसको माइनस करेंगे, नाइन, नाइन में से फोर गया फाइव, टेन फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन में से एट गया सेवन, टू में से टू गया कैंसिल, सॉरी टू में से टू गया जीरो, एट में से एट गया जीरो, थ्री में से टू गया वन। अब यहाँ आपका ये हो जाएगा टू फोर एट टू एट टू। अब यहाँ फिर नेक्स्ट पेयर जीरो जीरो आएगा, फिर इसको थ्री टाइम्स में फिर डिवाइड करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व कैरी वन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, वन ट्वेंटी फाइव कैरी टू, थ्री टू जा सिक्स टू एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर कैरी टू, थ्री टू जा सिक्स टू एट। फिर इसको माइनस कर देंगे, वन नाइन में से सिक्स जाएगा थ्री, एट में से टू जाएगा सेवन, फाइव में से फाइव गया जीरो, सेवेंटीन में से एट गया नाइन, नाइन में से फोर गया फाइव, नाइन में से एट गया वन। तो इस तरह से हम लगातार डिवीजन प्रोसेस करते जाएंगे और इसके बाद जो है डिवीजन कहीं खत्म नहीं होगा, तो रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, सो रूट टू इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर वन फोर टू वन थ्री, फिर इसके बाद आगे फाइव सिक्स भी आ सकता है, तो इसके बाद हम डॉट 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 लिख देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, हेंस रूट टू इज एंड इरेशनल नंबर। क्यों? डेसिमल इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, और यहाँ पर रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया, इसलिए रूट टू जो है हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर हम लोग सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है देखेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे जिसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, यानी किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम सम निकालेंगे तो सम इरेशनल नंबर होगा। मान लीजिए कि ए कोई रेशनल नंबर है और रूट बी जो है आपका इरेशनल नंबर है, तो ए और रूट बी को प्लस करेंगे तो ए प्लस रूट बी आएगा, तो हमें ये दिखाना है कि ए प्लस रूट बी जो होगा वो इरेशनल होगा। तो सबसे पहले हमको इसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनल एज्यूम कर लेंगे। तो लेट ए प्लस रूट बी बी ए रेशनल नंबर,
सिंस ए प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर एंड ए इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। और प्रीवियस क्लास में आपने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। यानी जब किसी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस किया जाता है तो उसका डिफरेंस जो आता है वो रेशनल होता है। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस रूट बी ये आपका रेशनल है और ए बी जो है ए भी आपका रेशनल है। तो ए प्लस बी माइनस ए रेशनल और रेशनल का डिफरेंस भी क्या होगा इरेशनल होगा। दिस इंप्लाइज माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो रूट बी इक्वल्स टू आपका आ गया रेशनल। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि रूट बी जो है वो क्या है इरेशनल है। आप यहां लिखेंगे बट रूट बी इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए यहां पर कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। सो आवर assumption is wrong, hence a plus root b is not a rational number, and not a rational number means irrational number. So a plus root b is एंड इरेशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो एनसीईआरटी पर में इससे बेस्ट प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करके देखेंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है सो दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपका 6 जो है रेशनल है और रूट 2 जो है इरेशनल है। तो अभी हमने जो नियम पढ़ा था कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो उससे आपका 6 प्लस रूट 2 जो है इरेशनल हो गया। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। सॉल्यूशन लेट 6 प्लस रूट 2 बी ए रेशनल नंबर such that 6 plus root 2 equals to r, where r is a rational, r जो है आपका rational number है। This implies root 2 equals to r minus 6, इसको हम equation 1 मान लेंगे। So since r and 6 are रेशनल, और जब r और 6 रेशनल है तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा रेशनल होगा। और r माइनस 6 का वैल्यू कितने बराबर है रूट 2 के, तो रूट 2 भी क्या होगा रेशनल यूजिंग फर्स्ट। लेकिन रूट 2 आपका क्या है इरेशनल है। बट रूट 2 इज एंड इरेशनल नंबर। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड।
और पिछला जो रिजल्ट था उसको हमने जिस मेथड से प्रूफ किया था उससे तरह से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेकंड मेथड। लेट 6 प्लस रूट 2 बी ए रेशनल नंबर। नाउ 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल एंड 6 इज आल्सो रेशनल। दिस इंप्लाइज 6 प्लस रूट 2 माइनस 6 इक्वल्स टू रेशनल। अब यहाँ 6 आपका कैंसिल हो जाएगा तो रूट 2 इक्वल्स टू रेशनल, बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर assumption is wrong, hence 6 plus root 2 is irrational number। इस नंबर को हम यहां r के प्लेस पे p by q assumed करके भी बना सकते हैं। Let 6 plus root 2 be a rational number such that 6 plus root 2 equals to p by q. This implies root 2 equals to p by q minus 6 बराबर p minus 6 q by q. Since p and q are integers, this implies p minus 6 q by q integer by integer rational हो जाएगा। This implies और p minus 6 q by q जो है किसके equal है, root 2 के, root 2 equals to rational। But root 2 is an irrational number, so our assumption is wrong, hence 6 plus root 2 is an इरेशनल नंबर। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के राइट डाउन कर लीजिए तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है देखेंगे। नेक्स्ट है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट जो है आपका इरेशनल होगा। अगर मान लीजिए कि एक नंबर ए जो है आपका रेशनल है और रूट बी जो है वो इरेशनल है तो इस दोनों का प्रोडक्ट ए रूट बी जो होगा वो इरेशनल होगा, यही प्रूफ करना है। तो आइए पहले इसको प्रूफ करते हैं तब इस टाइप का हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो लेट a root b is a rational number. Now a root b is rational
एंड वन बाई ए इज ऑल्सो रैशनल। तो यहां पर ए रूट बी और वन बाई ए दो रैशनल नंबर हो गया, और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल होता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। तो यहां पे फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा जो है ए रूट बी है, और सेकेंड रेशनल नंबर जो है वन बाई ए है। दिस इंप्लाइज ए रूट बी मल्टीप्लाई वन बाई ए दोनों का प्रोडक्ट रेशनल नंबर होगा। अब ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो रूट बी इक्वल्स टू आ गया रेशनल। बट क्वेश्चन जो है इसमें आपका दिया हुआ है कि रूट बी जो है वो क्या है, इरेशनल है। बट रूट बी इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस ए रूट बी इज एन इरेशनल नंबर। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इस पर बेस्ट जो है प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी से फिर देखते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, सो दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे 7 जो है आपका रेशनल है, रूट 5 जो है इरेशनल है, और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल होता है। उस प्रॉपर्टी से 7√5 इरेशनल हो गया। अब आइए इसको शो कैसे करेंगे। तो हम इसे जो है इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसे रेशनल एज्यूम करके चलेंगे। तो लेट 7√5 बी ए रेशनल नंबर सच दैट 7√5 इक्वल्स टू आर, वेयर आर बिलोंग्स टू क्यू, जहां आर जो है रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज रूट 5 इक्वल्स टू आर बाय 7। सिंस रेशनल नंबर इज closed under division, that means the quotient of two rational number is rational. This implies r by 7 equals to rational, since r and 7 are rational. क्योंकि r और 7 दोनों रेशनल है, इसलिए r by 7 जो है रेशनल होगा, और r by 7 जो है किसके इक्वल है, रूट 5 के। तो रूट 5 इक्वल्स टू रेशनल, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जब एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो एजम्पशन में हमने रेशनल लिया था, तो जो क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। हेंस 7√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, दैट इज 7√5 इज एन इरेशनल नंबर।
अब अगर सेकंड मेथड से आप करना चाहते हैं सेकंड मेथड, लेट सेवन रूट फाइव बी ए रेशनल नंबर, नाउ वन बाय सेवन इज रेशनल एंड सेवन रूट फाइव इज रेशनल सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट रेशनल नंबर आता है। दिस इंप्लाई वन बाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन रूट फाइव, ये आपका रेशनल नंबर आएगा। अब सेवन से सेवन आपका कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, रूट फाइव इक्वल्स टू रेशनल, बट रूट फाइव इज व्हाट इरेशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस सेवन रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट रूट ए प्लस रूट बी इज इरेशनल इफ ए एंड बी आर प्राइम्स। अगर ए और बी दो प्राइम नंबर हो तो रूट ए और रूट बी जो है वो इरेशनल होगा। आइए देखें कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी को इरेशनल आना है, हम इसको एज्यूम करेंगे कि लेट रूट ए प्लस रूट बी इज ए रेशनल नंबर सच दैट रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज ए रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपको रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर स्प्लिट करेंगे, ये आपका हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस टू इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होता है, तो रूट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा, रूट बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी होगा। और आपने एक और पढ़ा होगा रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, तो रूट ए और रूट बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टू अंडर रूट ए बी। अब इसका इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट है तो इसको रेशनल के तरफ ले जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए आएगा तो माइनस ए, प्लस बी आएगा तो माइनस बी। दिस इंप्लाइज अंडर रूट ए बी बराबर आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू, सिंस आर ए एंड बी आर रेशनल, दिस इंप्लाई आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय टू इक्वल्स टू रेशनल। दिस इंप्लाई अंडर रूट ए बी बराबर रेशनल, लेकिन अंडर रूट ए बी जो है ये प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स जो होगा
वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो बट रूट ए बी इक्वल्स टू रेशनल सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग हेंस रूट ए प्लस रूट बी इज एंड इरेशनल नंबर। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर इस पर बेस्ट जो है सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग देखें। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए तो फिर नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो है देखते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एक और प्रॉब्लम। सो दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, ये हमको शो करना है। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हमको जो है 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल लाना है, तो इरेशनल का अपोजिट रेशनल होगा, तो इसको हम रेशनल एज्यूम करके चलेंगे। तो लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी ए रेशनल नंबर सच दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू आर वेयर आर इज रेशनल। दिस इंप्लाइज 2 रूट 5 इक्वल्स टू आर माइनस 3। दिस इंप्लाइज रूट 5 इक्वल्स टू, अब 2 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ लाएंगे तो आर माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। सिंस आर 2 एंड 3 आर रेशनल, दिस इंप्लाइज आर माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू रेशनल बिकॉज रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। दैट मीन्स रेशनल नंबर जो है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन रेशनल होता है, तो r माइनस 3 भी रेशनल होगा और 2 रेशनल है, तो रेशनल बाई रेशनल और रेशनल और रेशनल का डिवीजन रेशनल होगा। दिस इंप्लाइज रूट 5 इक्वल्स टू रेशनल, बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि अगर n जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट एन जो है वो आपका इरेशनल होगा, और 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट 5 जो है इरेशनल होगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया आपका। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.